शुभ प्रभातम। विषय संस्कृतम, कक्षा अष्टम, प्रकरण वसुधैव कुटुंबकम। पिछली वीडियो में हमने वसुधैव कुटुंबकम पाठ का अध्ययन किया था। आइए आज हम उसके अभ्यास को पूर्ण करें। अभ्यास में प्रथम प्रश्न है, पाठम पठित्वा वदन्तु लिखन्तु च शुद्धम अथवा अशुद्धम। शुद्ध या अशुद्ध में हमें उत्तर देना है। तो चलिए पहले पे आरंभ करें। काकः चटका च द्वे मित्रे नस्त। कौआ और चिड़िया दो मित्र नहीं थे। तो पाठ के अनुसार में ये दोनों मित्र थे, तो इसका आंसर अशुद्ध आएगा। दूसरा है, तौ एकस्मिन् गृहे एकम नरम अपश्यत। उन दोनों ने एक घर में एक आदमी को देखा। यह भी वाक्य अशुद्ध है, क्योंकि उन दोनों ने पेड़ पर एक सुंदर घर को देखा था। तीसरा है, काकस्य गृहं मृत्तिकायाः आसीत। कौए का घर मिट्टी का था। तो ये ठीक है, शुद्धम आएगा यहाँ। अगला है, चटका काकस्य सहर्षम स्वागतम करोति। चिड़िया कौए का खुशी के साथ में, प्रसन्नता के साथ में स्वागत करती है। तो ये भी शुद्ध है। अगला है, उभौ मिलित्वा सुखेन वसतः। दोनों मिलकर के सुखपूर्वक रहते हैं। शुद्धम, ये भी शुद्ध है। अगला प्रश्न है, मंजूषायाः प्रदत्त पदे रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। मंजूषा से उचित शब्द को लेकर के रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। तो एषः अस्ति, एषः है। तो एषः पुरलिंग के लिए यूज होता है, तो मंजूषा में जो भी पुरलिंग शब्द होगा प्रथमा विभक्ति में हम उसका प्रयोग करेंगे। तो मंजूषा में है काकः, तो एषः काकः अस्ति। ऐसी दूसरा, चटका काकस्य अस्ति। चटका का, चटका कौए के क्या है, मित्रता है, मित्र है। तो चटका काकस्य मित्रम अस्ति। आगे, काकः वृक्षे सुंदरम गृहम निर्मितवान। कौए ने वृक्ष पर सुंदर घर को बनाया। तो किससे बनाया है, मृत्तिका या मिट्टी से। सुंदर घर से उसने मिट्टी से सुंदर घर को बनाया। आगे, वर्षा काले गृहम नष्टम अभवत। वर्षा काल में घर नष्ट हो गया। किसका नष्ट हो गया, काकस्य, क्योंकि मिट्टी का था इसीलिए वर्षा काल में उसका घर नष्ट हो गया। चटका काकम भोजनम कर्तुम कथयति। चिड़िया ने कौवे से भोजन करने को कहा। किससे, आनंद से, आनंद से भोजन करने को कहा। तो आनंदेन भोजनम कर्तुम कथयति। आगे है, काकः भूत्वा भोजनम करोति। काकः हो करके भोजन करता है। क्या हो करके, लज्जित हो करके, लज्जितः भूत्वा भोजनम करोति। इस प्रकार से हमारा यह रिक्त स्थान की पूर्ति पूर्ण होती है। आगे अभ्यास पे देखते हैं। मंजूषायाः उचित विशेष्य पदम चित्वा लिखन्तु। विशेषण और विशेष्य शब्द हमें चुन करके लिखने हैं। तो विशेषण शब्द दिया हुआ है, विशेष्य शब्द हमें लिखना है। तो भीषणे, भीषणे का कोष्टक में विशेष्य शब्द बनता है ग्रीष्मकाले, है ना। भीषणे ग्रीष्मकाले, बहुत ज़्यादा गर्मी में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ग्रीष्मकाले। दूसरा है, अभिमानी। अभिमानी कौन था, चटका या कौआ। तो काकः, कौआ था अभिमानी। तो हम लिखेंगे काकः अभिमानी। खिन्ना, स्त्रीलिंग है खिन्ना शब्द। तो खिन्ना कौन थी, खिन्ना मतलब दुखी। तो चटका, जब उसका घर नष्ट हो गया तो यह भी दुखी होकर के कौवे के पास में गई थी। तो खिन्ना चटका। आगे, नवीनम। नवीन क्या हो सकता है, नपुंसक लिंग है, म लगा हुआ अंत में। तो नवीनम गृहम, गृहम शब्द है। तो यह विशेषण विशेष्य शब्द बनता है। तो नवीनम गृहम। आगे है, एकस्मिन, एक क्या, वृक्षे, एक वृक्ष पर। उन दोनों ने घर को देखा था। तो यहाँ पर यह विशेषण विशेष्य शब्द है, एकस्मिन वृक्षे। चलिए आगे देखते हैं। एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों के उत्तर एक पद में हमें देने हैं। तो काकः चटका च कुत्र सुंदरम गृहम अपश्यताम। कौवे और चिड़िया ने कहाँ पर सुंदर घर को देखा, कहाँ देखा था, वृक्ष पर। तो वन वर्ड में आंसर आएगा वृक्षे, वृक्ष पर, सप्तमी विभक्ति एक वचन में। आगे है दूसरा, चटका कई स्वगृहम निर्मितवती। चिड़िया ने किससे अपने घर को बनाया था,
तो कही शब्द आया है, तो हमें आंसर भी तृतीय विभक्ति बहुवचन में ही देना है, त्रिणय ही। तिनको से आगे है, का खिन्ना आसीत, कौन दुखी थी, तो चटका खिन्ना आसीत। आगे है, चटका काकम किम त्यक्तुम कथयति, चिड़िया ने कौवे से क्या त्याग करने को कहा, तो चिंताम अपनी चिंता को त्याग दो, ऐसा चिड़िया ने कहा। आगे है, शब्द दिया है, वाक्य दिया है, तौ सुंदरम गृहम अपश्यताम, उन दोनों ने सुंदर घर को देखा। इत्यस्मिन वाक्य, इस वाक्य में तौ इति कर्तृपदस्य, तौ कर्तापद का क्रियापद क्या है, तो क्रियापद इसमें क्या है, अपश्यताम, देखा, देखना क्रियापद है, तो यहाँ पर आंसर आएगा अपश्यताम। इस प्रकार से हमारा यह वन वर्ड आंसर भी पूर्ण होता है। चलिए आगे अभ्यास देखते हैं। एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्य न वदन्तु लिखन्तु च, इन प्रश्नों के उत्तर हमें पूर्ण वाक्य में देने हैं। वन वर्ड के बाद में अब यहाँ पर पूर्ण वाक्य में ही आंसर करना है। सुंदरम गृहम दृष्ट्वा काकः चटका च किम अचिन्त्यताम, सुंदर घर को देख करके कौवा और चिड़िया ने क्या सोचा कि हमारा घर भी ऐसा ही होना चाहिए। तो इसको हम आंसर करेंगे कि किमर्थम न आवयोः अपि एतादृश गृहं भवेत, क्यों ना हमारा भी ऐसा ही घर हो, ऐसा इन लोगों ने सोचा। आगे है, चटका काकस्य गृहं गत्वा किं कथयति, चिड़िया कौवे के घर में जा कर के क्या कहती है, तो चटका काकस्य गृहं गत्वा कथयति मह्यं स्वगृहे शरणं यच्छ, मुझे अपने घर में शरण दे दो। अगला प्रश्न है, अभिमानी काक चटकाम किम कथयत, अभिमानी कौवे ने चिड़िया से क्या कहा जब उसने सुना कि मह्यम शरणम यच्छ, मुझे शरण दे दो अपने घर में, तो उसने क्या कहा, गच्छ गच्छ अत्र स्थानम नास्ति, जाओ जाओ यहाँ पर स्थान नहीं है। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न के उत्तर को पूर्ण वाक्य में ही देंगे। आगे है, काका लज्जिता भूत्वा किम चितयति, काका लज्जित होकर के क्या सोचता है, काका लज्जिता भूत्वा चिंतयति अहम तो स्वार्थी अस्मि परम एषा तु उदार हृदय अस्ति, मैं तो स्वार्थी हूँ परंतु यह तो उदार हृदय वाली है, इस प्रकार से कौवे ने सोचा। आगे है, वर्षा कालात अनंतरम किम अभवत, वर्षा काल बीत जाने पर क्या हुआ, तो वर्षा कालात अनंतरम काकः पुनः नवीन गृहस्य निर्माणम करोति, कौवे ने फिर से एक नए घर का निर्माण कर लिया। तो इस प्रकार से हमें पूर्ण वाक्य में आंसर देना है, और एक पदे न उत्तरत में एक पद में ही उत्तर देना है, इन बातों का हम जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। स्थूल पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु, स्थूल पद को लेकर के प्रश्न का निर्माण करना है। प्रश्न का निर्माण कैसे होता है यह आरंभ में ही आपको बता दिया गया था, इसे पिछली वीडियो में भी बताया गया था, तो उसी प्रकार से हम करेंगे। तो पहला प्रश्न, पहला उत्तर दिया हुआ है, तौ स्वनिवासम आगच्छताम, वह अपने निवास पर आ गए, तो हिंदी में कैसे प्रश्न बनेगा, वह कहाँ आ गए, और कहाँ के लिए शब्द होता है कुत्र, तो तौ कुत्र का हम प्रयोग नहीं करेंगे। अच्छा, कुत्र का ही प्रयोग होगा, यहाँ पर गलती से कौ शब्द आ गया है, तो तौ कुत्र आगच्छताम, वह कहाँ आ गए, ऐसा हम लिखेंगे। दूसरा है, एकदा ग्रीष्मकाले सर्वत्र शुष्कम अभवत, ग्रीष्मकाले किस समय में, तो एकदा कदा है ना, कदा माने कब, सर्वत्र शुष्कम अभवत, तो ग्रीष्मकाले गर्मी के महीने में शुष्क हो गया। तीसरा है, चटकायाः गृहम अपि नष्टम अभवत, चटकायाः षष्ठी विभक्ति एक वचन है, तो किम शब्द का भी हम षष्ठी विभक्ति एक वचन यूज करेंगे, कस्याः गृहम अपि नष्टम अभवत, किसका घर नष्ट हो गया। चटका काकम कथयति, काकम द्वितीय विभक्ति एक वचन है, किसको, तो कम, चटका कम कथयति, काकः नवीन गृहस्य
निर्माणम करोति, नवीन घर का निर्माण करता है, तो किस का निर्माण करता है? षष्ठी विभक्ति एक वचन में आ गया, तो काकः कस्य निर्माणम करोति। इस प्रकार से प्रश्न बना करके प्रश्न का चिन्ह भी अवश्य हमें लगाना है, तभी उत्तर पूर्ण रूप से शुद्ध होगा। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 7 है, अधोलिखितानि वाक्यानि कथाक्रम अनुसारेण लिखन्तु। नीचे लिखे गए वाक्यों को कथाक्रम के अनुसार में लिखिए। ये आपको 5 वाक्य दिए गए हैं, पांचों का सीक्वेंस हमें बनाना है, तो चलिए पढ़ते हैं। ग्रीष्मकाले चटकायाः त्रीणि निर्मितं गृहं नष्टम् अभवत्। दूसरा है उदार हृदय चटका काकस्य सहायं करोति येन काकः लज्जिता अभवत्। तीसरा है वर्षाकाले काकस्य मृत्तिकायाः गृहं नष्टम् अभवत्। चौथा है काका चटका च द्वयमित्र अस्थामः, ये पहला है, तो ये पहला। दूसरा है ग्रीष्मकाले चटकायाः त्रीणि निर्मितं गृहं नष्टम् अभवत्, चिड़िया का घर नष्ट हो गया, ये दूसरा है। तीसरा अभिमानी काका चटका यही स्वगृह शरणम न अयच्छत्, अभिमानी कौए ने चटका को अपने घर में शरण नहीं दिया। और चौथा है वर्षाकाले काकस्य मृत्तिकायाः गृहं नष्टम् अभवत्, और वर्षाकाल में कौए का बना हुआ मिट्टी का घर नष्ट हो गया। और पांचवा है उदार चटका काकस्य सहायतां करोति येन काका लज्जिता भवति। इस प्रकार से हमारा यह सीक्वेंस बन जाता है। इसी सीक्वेंस को नीचे लिखेंगे, पहला काकः चटका च द्वे मित्रे आस्ताम, दूसरा है ग्रीष्मकाले चटकाया त्रीणि निर्मितं गृहं नष्टम् अभवत्, और तीसरा है अभिमानी काकः चटका यै स्वगृहे शरणं न अयच्छत्, और चौथा है वर्षाकाले काकस्य मृत्तिकायाः गृहं नष्टम् अभवत्, और पांचवा उदार हृदया चटका काकस्य सहायतां करोति येन काकः लज्जितः अभवत्। इस प्रकार से हमारा यह सीक्वेंस बन जाता है और यह कथा पूर्ण हो जाती है। अब आपके लिए कार्य विशेष है मूल्यांकन और गतिविधि। तो मूल्यांकन में है अमन देवांश च द्वे मित्रेस्तः, अमन और देवांश दो मित्र हैं। देवांश पठने कुशलः परंतु अमनस्य रुचि पठने नास्ति। देवांश पढ़ने में कुशल है, बुद्धि में तेज है, पढ़ने में अच्छा है, परंतु अमन पढ़ने में रुचि नहीं रखता है। अतः सः परीक्षायां सम्यक् प्रदर्शनं न करोति, इसीलिए वह परीक्षा में भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता है। यदि भवान भवति देवांशस्य स्थाने भवेत, यदि आप लोग देवांश के स्थान पर होंगे, तब अमनस्य सहायतां कथं कुर्यात्, तब तुम अमन की सहायता कैसे करोगे। इस वाक्य को लेकर के एक पैराग्राफ आपने लिखना है। दूसरा है अद्यत्वे प्राकृतिक आपदा कारणात् महति क्षति भवति, आजकल प्राकृतिक आपदा से बहुत क्षति होती है या होती थी। तस्मिन् समये सर्वकार, उस समय में सरकार जना च यथा योग्यम सहायतां कुर्वन्ति, उस समय सरकार और आसपास के लोग यथा योग्य जितना भी हो सकता है उतनी सहायता करते हैं। भवान भवति समीपे अपि कदाचित एतादृशी आपदा उत्पन्ना भविष्यति, यदि आप लोगों के समीप में पास में इस प्रकार की कोई आपदा विपदा आ जाती है या उत्पन्न हो जाती है, तब कथम जनान सहायतां करिष्यति, आप लोग कैसे लोगों की सहायता करेंगे। तो कुछ पॉइंट्स आपको इस पे बनाने हैं। अगली गतिविधि है कि छात्राः कक्षायाः भावम आधृत्य अन्यां कथाम अन्विष्य सचित्रम भित्तिपत्रम निर्माणम करोतु, इसको हम बाद में करेंगे। आगे है भवान भवति स्वमित्राणाम नामानि लिखित्वा तेषां रुचि अपि लिखन्तु, यह कॉलम दिया हुआ है और इस कॉलम में आप लोगों के अपने अपने मित्रों के नाम लिख करके उनकी रुचि, वह क्या किस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं, इन बातों को कम से कम 3 या 4 अपने मित्रों के नाम लिख करके उनकी रुचि आपने यहाँ पर लिखना है। तो इस प्रकार से हमारा यह अभ्यास अब समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम इसके व्याकरण को आरंभ करेंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।